नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे मोहन सराय से लेकर कैंट स्टेशन तक बनने वाले वाराणसी के पहले इनर सिक्स लेन सड़क परियोजना का लेटेस्ट अपडेट। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जो सीधा आगे की तरफ निकल जा रहा है रोड, वो मार्ग है सिक्स लेन वाराणसी टू मोहन सराय, और नीचे है आपका मोहन सराय, और ये मार्ग सीधे ऊपर की तरफ चले जाता है औरंगाबाद के लिए नेशनल हाईवे नंबर 19। तो चलिए इस सड़क मार्ग का पूरा मैं रोहनिया तक आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। काम में काफ़ी तेज़ी है। ये चला जाता है सीधे आगे आपका प्रयागराज के लिए। तो चलिए दोस्तों, नीचे से आपको दिखाते हैं पूरा मार्ग का लेटेस्ट अपडेट रोहनिया तक। तेरह किलोमीटर लंबा ये सड़क मार्ग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर कंक्रीट सड़क मार्ग काफ़ी दूर तक बन चुका है, जैसा कि आगे आप देख रहे हैं आगे काम भी चल रहा है इस मार्ग पर। और ये आपका एक तरफ का आने जाने के लिए लोगों के लिए बनाया गया है मार्ग। बाद में इसको भी तोड़कर ये ऊंचा किया जाएगा। मोहन सराय से आपका ये मार्ग बनना शुरू हुआ था और काफ़ी दूरी तक कम से कम आपका रोहनिया तक ये सड़क मार्ग बन चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर चलिए अब उस साइड से भी दिखाता हूँ आपको क्या काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ का कंक्रीट सीमेंट वाला रोड बन चुका है और दूसरी तरफ फिलहाल अभी लेवलिंग काम चल रहा है। काफ़ी चौड़ा यह सिक्स लेन है, वाराणसी का सबसे चौड़ा सिक्स लेन सड़क मार्ग।
आगे देख रहे हैं यहाँ पर इन मशीनों के सहायता से यहाँ पर कंक्रीट सड़क मार्ग का काम चल रहा है। यहाँ काफ़ी भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया था, जिसे आप देख रहे हैं किनारे की तरफ। ये भवन फिलहाल जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ तक ये सब भवन थे, जिनको कि तोड़कर पीछे किया गया है। बोलिया तक पूरा ये मार्ग 6 लेन बनेगा और बोलिया से आगे 4 लेन। आगे में ही जगतपुर इंटर कॉलेज, ये एक तरफ का आप सड़क मार्ग देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपका उस डिवाइडर के उस पार है। डिवाइडर भी फिलहाल तोड़ कर नया बनाया जाएगा। बनारस में फिलहाल अभी परीक्षाओं का मौसम है, जगह जगह आपको विद्यार्थी नज़र आएंगे। ये आगे आप देख रहे हैं जगतपुर कॉलेज का बाउंड्री वॉल। आप देख रहे हैं जगतपुर कॉलेज का मुख्य गेट।
आगे में ही आपका रोहनिया, रोहनिया बाजार, वहाँ भी काफ़ी जाम लगता था और धीरे धीरे काम अब रोहनिया के आगे भी पहुँच रहा है। इस मार्ग में काफ़ी हरे भरे पेड़ थे और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए उन पेड़ों को काटा गया है, वापस से फिर से हरियाली युक्त बनाने के काफ़ी पेड़ लगाने पड़ेंगे इस मार्ग पर। यहाँ से रोहनिया शुरू हो जाता है और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ फिलहाल अभी कुछ ही भवन टूटे हैं। जैसा कि इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ अभी तोड़ा नहीं गया है भवनों को दोनों तरफ, फिलहाल पेड़ों की कटाई इस तरफ आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।